बोटॉक्स हर तरफ ये शोर है, लेकिन बोटॉक्स की बोतल में बोटॉक्स है या फिर कुछ और है? जब हमारी नर्व्स हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल देती हैं, तो एजिंग कॉज होती है और इसी सिग्नल को ब्लॉक किया जाता है बोटॉक्स से। अब इस बोटॉक्स के बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन इसी बोटॉक्स को बॉटल में कैसे बंद किया जा सकता है? बोटॉक्स इन द बॉटल इस कॉन्सेप्ट को लेके आप सब में बहुत सारे डाउट क्रिएट हो रहे हैं, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं। तो आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने बनाया है ये वीडियो। जैसे कि आप बीमार हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाते हैं तो आप लेते हैं एलोपैथिक मेडिसिन, जबकि आप जानते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आप साइड इफेक्ट्स को अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप लेते हैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन। इन दोनों में एक डिफरेंस है, जब आप एलोपैथिक लेते हैं तो वो केमिकल बेस्ड फॉर्मूला होता है, लेकिन जब आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक लेते हैं तो वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन होते हैं। बस ऐसा ही कुछ फर्क है बोटॉक्स इन द बॉटल में और बोटॉक्स के इंजेक्शन में। बोटॉक्स के इंजेक्शन में यूज की जाती है बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन को मिरेकल पॉइजन बोलते हैं, क्योंकि ये मिरेकल तो करता है पर इसके पॉइजनस इफेक्ट हैं अगर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाए तो। ये बॉटुलिनम टॉक्सिन क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम से ऑब्टेन की जाती है। बोटॉक्स के इंजेक्शन लेने के बहुत सारे मेजर और माइनर साइड इफेक्ट नजर आते हैं और इसके इफेक्ट को बनाए रखने के लिए बार बार इस टॉक्सिन को रिपीट करना पड़ता है, मतलब आपको बोटॉक्स के इंजेक्शन बार बार लेने पड़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टड मफिन बोटॉक्स क्रीम के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सैंजेला रिवर्सा, ब्लेडी ग्रास एक्सट्रैक्ट, कोलेजन एंड पेप्टाइड्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स बोटॉक्स की तरह कैसे काम करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्टड मफिन बोटॉक्स क्रीम में यूज किया गया है ब्लेडी ग्रास एक्सट्रैक्ट। ये ब्लेडी ग्रास एक्सट्रैक्ट एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल अल्टरनेटिव है बॉटुलिनम टॉक्सिन, जिसको यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, रिंकल्स को दूर करता है और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को रिजेनरेट करने का काम करता है स्टड मफिन बोटॉक्स क्रीम। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सैंजेला रिवर्सा। सैंजेला रिवर्सा एक एक्टिव फॉर्म है सैंजेला पेप्टाइड की, जो कि कॉम्प्लेक्शन पे काम करता है। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से रिंकल्स पे काम करता है, आपको कभी कभी रेड स्पॉट से हो जाते हैं उन पे भी ये काम करता है, और साथ ही साथ जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसको भी ये ठीक करता है। तो यस, स्टड मफिन बोटॉक्स क्रीम में बोटॉक्स तो है और ये प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव है बोटॉक्स इंजेक्शन का, जो कि कोई साइड इफेक्ट नहीं देता और आपके स्किन में एंटी एजिंग इफेक्ट भी शो करता है अगर आप इसे कॉन्टिन्यूसली यूज करें तो। सो आई एम यूजिंग दिस टाइम रिवर्सल कॉम्बो, दैट इज बोटॉक्स डे एंड नाइट क्रीम एंड ग्लूटाथायोन सीरम। सो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस टाइम रिवर्सल कॉम्बो यू कैन वॉच माई वीडियो, इफ यू वॉन्ट टू नो ग्लूटाथायोन ओनली यू कैन वॉच माई वीडियो। आपको इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बाय बाय।